हेलो वेलकम्स माय फ्रेंड्स माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो ये वीडियो आपके सामने क्लास नाइन्थ या किसी भी स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि इसमें आज हम क्लास नाइन्थ में संख्या पद्धति आपका जो स्टार्ट में चैप्टर है तो उसी से रिलेटेड होगा। फिर भी इसमें तो आज हम बताएँगे संख्या, संख्या क्या है, संख्या कितनी प्रकार की होती हैं और संख्या का पूरा डिटेल इसमें आज हम बता देंगे, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे, आज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरा जो पहला चैप्टर है क्लास नाइन्थ में मैथ में ना, उसको भी यहाँ पर कवर कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, आपको संख्या के बारे में हम बता देंगे। तो पहले देख लेते हैं संख्या क्या है। ठीक है, क्या है संख्या? संख्या मतलब नंबर। ठीक, नंबर। नंबर क्या है? ऐसी एक मापक होती है जिसमें आपको गिनने के लिए, क्या गिनना, गिनने के लिए, मापने के लिए या कोई भी चीज़ हो आपका संख्या के रूप में हम यूज करते हैं जो, तो ये सारी चीज़ें आपकी एक संख्या होती हैं। एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा कहने का मतलब उसमें आपका जो हम बीमा यूज करते हैं, जो हम मात्रक यूज करते हैं, वो जो संख्या होती है यानी गिनने के रूप में, मापने के रूप में, ये सारी चीज़ें वो संख्याएं होती हैं। तो संख्याओं में बहुत प्रकार की, जिससे आपका ये चार हो गया, क्या है एक संख्या है, ये 42 हो गया, ये भी एक संख्या है, 642 हो गया, ये भी एक संख्या है, 1642 हो गया, ये भी संख्या है, 14642 हो गया, ये भी संख्या है। तो इसे हम संख्या कहते हैं। तो ये संख्या हो गया। संख्या के प्रकार, संख्या लगभग देखा जाए तो आपका 12 प्रकार के करीब, कम से कम आपका 12 प्रकार के इसको होंगे। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। एक खास तरीके से देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद आपका आ जाएगा सम संख्या। बहुत संख्याएं हैं, मैं कवर कर रहा हूँ सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बाद आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद आपका सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, तो इतनी संख्या आपकी ये हो गई। उसके बाद आपका सहभाज्य संख्या के बाद आपका परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय के बाद आपका वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, इस प्रकार की संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं आपकी जो आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर हम देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखने से पहले हमें पता करना पड़ेगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को पता करने के लिए हमें उससे भी पहले पता करना पड़ेगा कि ये पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, तो सम मतलब ये संख्याएं हैं, तब जाके परिमेय संख्या। तो कुल मिलाकर देखा जाए इन सब पर बंधा हुआ है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या वो संख्या हो जाती है जो हमें प्रकृति के रूप में पहले से ही मिली है, यानी ये हमें संख्या, जैसे हम कोई चीज़ प्राकृतिक चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हैं,
तो हम उसको गिनती करना स्टार्ट करते हैं। तो बताइए अगर एक पेड़ है, मतलब पेड़ है तो क्या गिनेंगे, कैसे उसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से गिनेंगे। वहाँ पर अगर 20 है तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमें यही पता चल रहा है कि नेचुरल रूप में, प्राकृत रूप में जो संख्या मिली थी वो हमें 1 से मिलेगी थी। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 7, ये हो गई प्राकृतिक संख्या। आज आपको पता चल गया होगा प्राकृतिक संख्या होती है 1 से, किसे होती है, 1 से, ठीक है। और अगर इसी 1 में आपको 0 लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, 1 में अगर आपको 0 लगा दिया जाता है तो आपका क्या बन जाएगा बताइए। 1 में अगर आप 0 लगा देते हैं तो आपको का क्या बन जाएगा, तो आपका पूर्ण संख्या बन जाएगी। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4। अब बताइए मैं 1 2 3 4 5 गिनते जा रहा हूँ और 9 पर रुक गया, 10 आया। तो आप खुद बताइए कि 10 जब आया तो उसमें कौन कौन सी संख्या यूज हुई, 1 और 0। 0 तो एक हमारा अंक है, उसको तो मैंने पहले बोला नहीं था। तो 1 और 0 को जब मिला दिया तो 0 मिलाना जो, मतलब इसमें हम 0 और ले लिए तो और जो भी संख्या 0 को शामिल कर लिए, तब हमारा हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गई, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या 0 हो गई, तो 0 है आपका, 1 भी है, 2 है, 3 है, तो लेकिन यही आपका 1, ये 0 के पहले माइनस में भी हो, 2 माइनस में भी हो, 3 माइनस में हो, तो ये आपकी पूर्णांक संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्णांक संख्या, मतलब पूर्णांक संख्या प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, ऋणात्मक। पूर्ण संख्या आपका प्लस में हो सकती है 0 से मिल करके, प्राकृतिक संख्या आपका 0 नहीं होगा तो प्राकृतिक संख्या होगी। यानी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बनाने के लिए आपका क्या होगा, उसका 10 गुना हम तैयार कर सकते हैं। जैसे आपका 2 है, 2 में 0 लगा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 2 2 20 हो जाएगा। अगर हम 3 है तो उसमें 0 लगा देंगे तो हमारा 2 3 30, मतलब उसे 10 गुना, 100 गुना या अदर इस तरीके से 0 लगाने से हमारा गुना बढ़ जाता है, ये हमारा हो जाएगा। और अभी इसको आपको 9th में जो क्वेश्चन है ना, असत असत, उसमें काम आएगा। तो उसके बाद आपका बच रहा है क्या, देखिए इसमें धनात्मक ये ऋण है, ये प्लस में है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम बता देते हैं, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और उदासीन, और उदासीन। तो ऋणात्मक और धनात्मक उदासीन, ऋणात्मक ऋण में है तो ऋणात्मक धन में है, धनात्मक और जब कुछ नहीं है ऋण और धन में यानी 0 पर है तो क्या है, उदासीन है। और भाज्य संख्या क्या है, जो 2 से विभाजित हो वो भाज्य संख्या है, और जो 2 से ना विभाजित हो, जो 2 से ना विभाज्य हो। साभाज्य क्या होती है, साभाज्य क्या है, जो दो संख्या से विभाज्य हो, ऐसी कोई संख्या हो जो 2 संख्या से विभाज्य हो और इन दोनों का HCF क्या, HCF 1 आए, क्या आए, 1 आए। जैसे हमारा 5 और 7 है, 5 और 7 से कटने वाली संख्या 35 है, तो हम 35 जो है हमारी साभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है और 5 और 7 से भी कट रही है, इसलिए इनका जो गुणनखंड हमारा तय हो रहा है 5 और 7, इसका जो HCF आएगा 1 आएगा। 2 और 3 इसका जब हम देखते हैं तो 6 हमारी साभाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 2 संख्या से हमारा 6 कट रहा है, तो ये हमारा साभाज्य संख्या हो गई। और उसके बाद बचता है विषम संख्या, सॉरी हाँ, सब साभाज्य संख्या ये हो गया 2 से कटने वाली, इसमें गलती लिख दी है, और ये 2 से ना कटने वाली, उसे ना कटने वाली। भाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से छोड़कर एक और संख्या से कटे, एक और संख्या, एक किसी और संख्या, मतलब भाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से तो कट रही है, 1 से छोड़ करके किसी एक संख्या से और कटे, किसी एक संख्या से और कट जाए तो वही भाज्य संख्या होती है। और जब यही आपका किसी एक और संख्या से नहीं कटती है तो आपका अभाज्य होती है, एक संख्या से छोड़कर किसी अभाज्य संख्या, एक से अपने स्वयं से, ये अपने स्वयं से कटती है, क्या कटती है, स्वयं से, इसको मैं भूल से बोल दिया, सॉरी उसके लिए गलती। भाज्य संख्या जो अब 1 से कटे और किसी एक संख्या और से कटे, अभाज्य संख्या 1 से कटे और
स्वयं से कटिया भाज संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। परिमेय संख्या को जिसको हम पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी के रूप मतलब 2/3 है, 4 है, क्योंकि बटा इसका 1 है। तो इस तरीके की जो संख्याएं होंगी ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर जो संख्या होगी, जो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या इसका उल्टा होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका वर्गमूल ना निकले, ये सारी संख्याएं आपका क्या होगी, अपरिमेय संख्या होंगी। तो परिमेय परिमेय के साथ साथ हम क्या समझेंगे, उसके उसी के सहारे पर हम समझ लेंगे अपना वास्तविक संख्या। क्या समझ लेंगे, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप में लिखने पर हम पर वास्तविक संख्या, इन दोनों को परिमेय को भी अपरिमेय को दोनों को मिला देते हैं तो हमारी वास्तविक संख्या हो जाती है। अगर हम दोनों संख्या को मिला देते हैं इसमें तो हमारी वास्तविक संख्या हो जाती है। जैसे ये आपका क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई, ये वास्तविक संख्या हो गई। इसी आधार पर अगर हम देखते हैं और कोई संख्या, तो मान लीजिए ये आपका वास्तविक संख्या हो गई। अवास्तविक संख्या क्या होती है, अवास्तविक संख्या होती है यह एक काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है, काल्पनिक संख्या, जिसका वास्तविक से वास्तविक मतलब नहीं होता है। तो अवास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या को इकाई से दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ए है आपका, अब माइनस 5 है, 5 है, ये भी 5 था तो वास्तविक संख्या हो गई, लेकिन माइनस 5 हो गया तो ये अवास्तविक संख्या हो गई, ये काल्पनिक रूप में हमारा। तो ऋणात्मक धनात्मक पहले ही बता दिए, ये ऋणात्मक माइनस 3 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 उदासीन, ये सारा प्रोसेस है इसमें आपका, उसमें सत्य सत्य में काम आएगा, इसलिए मैंने बताना चाहा। तो पहला पार्ट ये था, इसके बाद इसमें हम जो लेकर के आएंगे उस पाठ में जो सवाल है उसको लेकर के आएंगे, क्योंकि पहला जो आपका उसमें पाठ है, पहली सवाल जो है इसके आधार पर है कि देखना है कि आपका एक संख्या वो पी और क्यू के रूप में है कि नहीं है। तो पी और क्यू के रूप में होगी तब तक जब तक संख्या के हर में एक होगा, हर में एक होगा मतलब कोई कुछ नहीं होता है तो हर में एक होता है, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट मस्त है। उसके बाद हम पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे, 9th 10th 11th 12th का पूरा कोर्स हरे सब्जेक्ट के क्रम से स्टार्ट करे हैं, चल रहा है। बस यार यही स्लो हम काम करेंगे, क्योंकि चारों क्लास के बनाना एक मुश्किल काम होगा, इसलिए आप लोग धैर्य रखिएगा, मैं धीरे धीरे करके लाता रहूँगा, ओके बेटर। चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।